लेट का लेते हैं लेट y cos 2 e की पावर 6x और cos 3x ठीक है इनटू cos 3x इक्वेशन नंबर 1 डबल डेरिवेटिव निकालना है हमें तो पहले सिंगल डेरिवेटिव निकालें मतलब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ठीक है तो ये क्या हो जाएगा dy by dx दैट इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ e की पावर 6x और cos ऑफ 3x ठीक है प्रोडक्ट रूल लगेगा यहां पे दो फंक्शन है से ये फर्स्ट फंक्शन हो गया आपका ये सेकंड फंक्शन हो गया आपको यूवी का फार्मूला पता है यूवी का लगा दीजिए अब कन्वेंशन है जो भी आप सोचिए ठीक है तो फर्स्ट मतलब e की पावर 6x डी अपन स्ट्रक्चर लिख लिया करिए ठीक है बाद में आप उसका जिसका नेसेसरी है डेरिवेटिव रख दीजिए ठीक है फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड प्लस सेकंड डी बाय डीएक्स ऑफ फर्स्ट e की पावर 6x क्या हो जाएगा आपका e की पावर 6x और ये देखिए चेन रूल है अगर x की कोई वैल्यू प्लेस करते हैं तो 3x पहले कैलकुलेट होगा और फिर क्या होगा आपका उस पे cos कैलकुलेट होगा तो cos आउटर फंक्शन है सबसे पहले ये डिफरेंशिएट होगा इसका मतलब cos का कितना होता है माइनस साइन होता है जो भी cos के अंदर हो लिख दीजिए 3x फिर क्या होगा सेकंड नंबर पे 3x का डेरिवेटिव होगा 3x का 3 आ जाएगा डिफरेंशिएशन तो ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका इसी तरह से यहां पे cos ऑफ 3x हुआ e की पावर 6x का यहां भी चेन रूल लग जाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन है x कोई वैल्यू प्लेस करते हैं तो 6x कन्वर्ट करेंगे फिर उस पे e ऑपरेट होगा तो इसका मतलब e आउटर फंक्शन हो गया तो पहले ये डिफरेंशिएट हुआ तो e की पावर 6x आ जाएगा और फिर सेकंड नंबर पे 6x डिफरेंशिएट होगा उसका 6 आ जाएगा ठीक है तो ये आपका हो गया dy by dx तो e की पावर 6x कॉमन कर लेते हैं हम लोग अंदर क्या आ गया आपका बल्कि 3 भी कॉमन कर लेते हैं तो ये आ गया आपका माइनस साइन 3x और प्लस 2 cos 3x ठीक है से इक्वेशन नंबर 2 अब नाउ अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका d2y by dx square that is equals to अच्छा अब इसे हम फर्स्ट मान ले रहे हैं ठीक है और इस ब्रैकेट को सेकंड मान ले रहे हैं तो ये फर्स्ट है और ये क्या हो गया आपका ब्रैकेट सेकंड हो गया तो फर्स्ट मतलब e की पावर 6x d by dx of सेकंड मतलब ब्रैकेट कितना हो गया माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x और फिर क्या हो जाएगा सेकेंड मतलब ब्रैकेट माइनस साइन 3x और प्लस 2 cos 3x और d by dx क्या हो जाएगा d by dx हो जाएगा आपका फर्स्ट d by dx ऑफ फर्स्ट क्या आपका 3 की पावर 6x ठीक है तो अब दो डिफरेंशिएशन इस ब्रैकेट करना है और यहां पे क्या करना है e की पावर 6x का डिफरेंशिएशन करना है सिंपल है क्या हो जाएगा आपका d2y by dx स्क्वायर d2y by dx स्क्वायर कुछ भी रिटेन है इसे देखिए 3 e की पावर 6x ये तो रहेगा ही रहेगा अब देखिए यहां पे क्या होगा sin 3x का डिफरेंशिएशन sin का cos हो जाएगा और फिर 3x का होगा जैसे ऊपर हमने चेन रूल लगाया था ठीक है 3 हो जाएगा तो अंदर क्या लिखोगे ब्रैकेट के अंदर आप माइनस cos 3x और 3x का 3 हो जाएगा ठीक है फिर प्लस 2 cos 3x का करोगे आप तो cos का कितना हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा ये हो जाएगा 2 माइनस साइन 3x और 3x का फिर आपका 3 हो जाएगा ठीक है तो ये तो आपका डेरिवेटिव हुआ किसका ब्रैकेट का प्लस फिर ये ब्रैकेट लिखेंगे हम लोग ये कितना है आपका दैट इज माइनस साइन 3x और प्लस 2 cos 3x ठीक है उसके बाद क्या होगा यहां पे डिफरेंशिएशन होगा यहां भी चेन रूल लगेगा e का डिफरेंशिएशन होगा फिर 6x का डिफरेंशिएशन होगा ठीक है तो ये आ जाएगा 3 e की पावर 6x और फिर इनटू 6 ये फाइनल आ गया आपका ठीक है इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लीजिए d2y by dx स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू देखिए e की पावर 6x हम कॉमन कर लेते हैं ठीक है बल्कि 3 e की पावर 6x 3 ये वाला 3 और ये वाला 3 ये यहां से कॉमन हो जाएगा 9 e की पावर 6x हो जाएगा और यहां पे देखिए
थ्री यहां से ले लेंगे, सिक्स को क्या लिख लेते हैं हम, थ्री इंटू टू लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये नाइन एक्स, सॉरी नाइन ई की पावर सिक्स एक्स कॉमन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका नाइन ई की पावर सिक्स एक्स कॉमन हो गया। जो भी बचा इस ब्रैकेट में रख देते हैं, क्या बचा, ये तो कॉमन हो गया है यहां से, ठीक है। थ्री थ्री पहले हमने यहां से समझ लीजिए बाहर किया, यहां पे हो गया नाइन, ठीक है, और ये नाइन एक्स और ये नाइन एक्स कॉमन हो गया, ठीक। क्या बचा आपका ये ब्रैकेट, मतलब माइनस का कॉस ऑफ थ्री एक्स, ठीक है। फिर देखिए ये क्या हो गया आपका माइनस का टू साइन थ्री एक्स, ठीक। यहां से क्या बचा आपका, ये टू टाइम्स ये ब्रैकेट बची हुई है, तो टू इंटू माइनस का थ्री एक्स, तो ये हो गया माइनस का टू साइन थ्री एक्स, ठीक है। फिर टू इंटू टू फोर कॉस थ्री एक्स प्लस फोर कॉस कितना हो गया थ्री एक्स हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें भी लाइक टर्म्स है, ये और ये, ठीक है, ये प्लस का फोर है ये माइनस का वन है, तो फोर में से वन गया कितना बचा थ्री बचा प्लस का, तो यहाँ थ्री कर देते हैं, ठीक है, और इस टर्म को हटा देते हैं यहां से। अब देखिए ये भी आपस में ऐड हो जाएंगे, सेम साइन है माइनस टू और माइनस टू, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस फोर हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, क्या नाइन की पावर सिक्स एक्स थ्री टाइम्स कॉस ऑफ थ्री एक्स माइनस फोर साइन थ्री एक्स।